शाहरुख के लिए एक्वामैन ने बदली भारत में रिलीज डेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, शाहरुख खान के लिए एक्वामैन ने बदली भारत में रिलीज डेट। डीसी कॉमिक्स के फेमस कैरेक्टर एक्वामैन पर बेस्ड फिल्म ऐसी फिल्म होगी जो हॉलीवुड से पहले भारत में रिलीज होगी। भारत में ये फिल्म 14 दिसंबर को रिलीज हो रही है, जबकि हॉलीवुड में इसे 21 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में जेनिस मोमोआ आर्थर कैरी उर्फ एक्वामैन के किरदार में हैं। दोस्तों, जेसन मोमोआ की सुपर हीरो के रूप में ये पहली सोलो फिल्म है। भारत में भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। एक्वामैन भारत में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। भारत में हॉलीवुड फिल्मों की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कहा जा सकता है कि फिल्म अच्छी ओपनिंग देने वाली है। और इसी साल रिलीज एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, वंडर वुमन, मिशन इम्पॉसिबल ने बेहतरीन कमाई की है। फिल्म एक्वामैन को भारत में डिस्ट्रीब्यूटर साजिद कुरैशी अपनी इनबॉक्स पिक्चर्स के जरिए रिलीज कर रहे हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि एक्वामैन दर्शकों का इंतजार दुनिया भर में बेसब्री से हो रहा है। भारत में भी लोग इस फिल्म के लिए उत्साहित हैं। इस फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन में अपने शुरुआती दिन में 169 मिलियन कमाई की है, जो अपने आप में अद्भुत है। इसके बाद हमें उम्मीद है कि ये भारत में भी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी। फिल्म एक्वामैन की कहानी अटलांटिस के जलमग्न राज्य पर आधारित है। फिल्म के मुख्य किरदार और अटलांटिया के उत्तराधिकारी आर्थर करी जैसन मोमोआ की परवरिश समुद्री दुनिया से दूर इंसानों के बीच हुई है। दोस्तों, वो अपने लोगों को बचाने के लिए अपने घर वापस लौटता है। भारत में एक्वामैन को एक हफ्ते पहले रिलीज करने की वजह शाहरुख खान की फिल्म जीरो से क्लैश होने से बचने के लिए बताया जा रहा है। शाहरुख, अनुष्का और कैटरीना स्टारर जीरो 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। शाहरुख की पॉपुलैरिटी दुनिया भर के दर्शकों में है और ऐसे में सुपर हीरो फिल्म ने अपनी रिलीज डेट पीछे खिसकाना ही बेहतर समझा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ।